देखिए आज हमारा जो आंदोलन है वो निरंतर जारी है, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ आंदोलन है, गन्ने की पेमेंट के लिए हमारा आंदोलन है। तमाम जो इश्यूज हैं हमारे, जो मंडी के भाव नहीं मिल रहे हैं उनको लेके आंदोलन करते हैं किसान। लेकिन आज जो नई परिस्थिति पैदा हुई है, जो गेहूँ जो अभी फसल हमारी सोइंग जिसकी हो रही है, और कृषि मंत्री स्वयं मान रहे हैं कि 12% सोइंग ज़्यादा हुई है, मौसम अनुकूल है, सरकार का अंदाजा है कि उत्पादन ज़्यादा होने वाला, तो बाहर से गेहूं मंगाने का औचित्य क्या है? किसान को मारने की तैयारी है ये, और उसका किसान संगठन विरोध करते हैं, उसी को लेके एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। सरकार की मंशा से हमको लग रहा है कि सरकार ने मन बना लिया कि हिंदुस्तान के किसान को ख़त्म कर दिया जाए, बड़े घरानों के हाथ में खेती आ जाए और छोटा जो किसान है वो उसको कृषि मजदूर बना दिया जाए। देखिए डेमोक्रेसी में आंदोलन की रूपरेखा तो ये होती है कि जनचेतना एक, लोगों को संगठित करना, लोगों को ये बताना कि सरकार की कौन सी नीतियाँ हैं जिनके माध्यम से हम जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, हम परेशान हैं, उनको इकट्ठा करना, सरकार को ये जताना, सरकार पे दबाव बनाना ताकि सरकार इस तरह के जन विरोधी निर्णय को वापस ले। देखिए स्वागत है जो हमारा समर्थन करे और जो हमारे इशू को उठाए वो स्वागत का है। हम तो कहें बीजेपी के लोग भी उठाएं इसे, दूसरे लोग भी उठाएं, सभी उठाएं, हम तो चाहते हैं बीजेपी विड्रॉ करे इसे, उनसे ही मांग रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। 40 दिन हो गया है नोटबंदी को, हमने नोटबंदी को लेके बहुत प्रदर्शन किए हैं अपने जिला सदर पे, हमने क्या आलू हमने धान फ्री बांटा लोगों में और अपना विरोध जताया। मतलब ऐसा नहीं होता कि दिल्ली आके ही करें, हम अपने जिले हेडक्वार्टर पे अपनी स्टेट कैपिटल्स पे निरंतर इस बात को लेके कह रहे हैं कि हमारे जो लेन देन है वो सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों से होता है, वो बिल्कुल जो है बंद पड़े हैं, उनके पास एक पैसा भी नहीं है, हमारा सारा लेन देन, हमारी विवाह शादी, हमारे खेती के कार्य सब बंद पड़े हुए हैं, सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। यहाँ किसको कहें, पैरों की सरकार है, रोए किसके सामने जाके बताएं किसे। दिल्ली का थोड़ा सा फर्क है, हमारा किसान तो सारा ही फर्क रहता है, लेकिन दिल्ली में क्यों है, दिल्ली में दिल्ली सहायता किसी सरकार ने इस विषय को लेके नहीं दी है, बात सारा वही है, किसान पीड़ित हर जगह का ही है, लेकिन दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में जो किसान है उसके परिवार में कोई ना कोई किसानी के अलावा खेती और